हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। जब आप टेलीविजन पर कोई शो देख रहे हो या थिएटर में कोई मूवी देख रहे हो या किसी कॉन्सर्ट में गए हो, उस वक्त साउंड को म्यूट कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बेशक आपको बुरा लगेगा, क्योंकि म्यूट की कंडीशन में आप किसी शो, मूवी या कॉन्सर्ट को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा ही होता अगर स्पीकर का इन्वेंशन नहीं हुआ होता। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इंटरनेट और स्मार्टफोन का किया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ स्पीकर है। स्पीकर का इस्तेमाल दुनिया में लगभग हर जगह पर किया जाता है, और वैसे भी हमारे लिए उस बात को जानना बहुत ज़रूरी होता है जिस चीज़ का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं स्पीकर के इन्वेंशन के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। म्यूजिक सुनने का शौक तो सभी को है, और स्पीकर के बिना म्यूजिक सुनना मुमकिन ही नहीं है। चाहे छोटी सी छोटी ईयरफोन हो या बड़ा डीजे साउंड हो, सभी के अंदर स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर से ही आज लोग म्यूजिक को इंजॉय कर पा रहे हैं। एक लाउड स्पीकर एक इलेक्ट्रो एक्वास्टिक ट्रांसड्यूसर है जो एक बिजली के ऑडियो सिग्नल को साउंड में बदल देता है। अच्छी साउंड जनरेट करने के लिए अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग अलग अलग चीजों से साउंड जनरेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब स्पीकर का ट्रेंड शुरू हुआ तो लोगों को म्यूजिक सुनना ज्यादा अच्छा लगने लगा, और फिर धीरे धीरे स्पीकर की क्वालिटी में भी सुधार होने लगा। और पुराने समय को स्पीकर और आज के मॉडर्न स्पीकर में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्पीकर को फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से बांटा जाता है। फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज को रिप्रोड्यूस करने के लिए पर्सनल ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। स्पीकर के इन्वेंशन को म्यूजिक की दुनिया में रिवोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि अगर स्पीकर का आविष्कार ना होता तो म्यूजिक की दुनिया आज इतनी तरक्की नहीं कर पाती, और लोगों को म्यूजिक सुनने का मौका भी नहीं मिल पाता। सबसे पहले जोहान फिलिप रीस ने 1861 में अपने टेलीफोन में एक बिजली के लाउड स्पीकर को स्टैब्लिश किया जो प्योर ट्यून्स को ट्रांसड्यूस करने में कैपेबल था और साथ ही स्पीच को भी रिप्रोड्यूस कर सकता था। लेकिन एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में अपने टेलीफोन के पार्ट में पहले इलेक्ट्रिक लाउड स्पीकर को पेटेंट करवाया था जो समझ में आ सके ऐसी आवाज को ट्रांसड्यूस करने में कैपेबल था। आज के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले डायनामिक स्पीकर का आविष्कार 1925 में एडवर्ड डब्ल्यू केलोग और चेस्टर डब्ल्यू राइस ने किया था, और सन 1930 में जेनसन ने पहला मैग्नेटिक लाउडस्पीकर बनाया, और इस पहले लाउडस्पीकर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रयोग किया गया था। और 1937 में मेट्रो गोल्डविन मायर स्टूडियो ने थिएटर्स के लिए शियरर हॉर्न सिस्टम शुरू किया था जो पहला फिल्म इंडस्ट्री का लाउडस्पीकर सिस्टम था। और गाइस, आज की इस मॉडर्न एरा में इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई हुई है कि छोटे से छोटे स्पीकर भी बहुत ही हाई क्वालिटी ऑडियो को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे स्पीकर के यूज बढ़ते ही गए और इनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता गया, और आज बहुत सी कंपनियां बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पीकर बना रही है और इनके यूज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन स्पीकर के इन्वेंशन में बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन था, और शुरुआती स्पीकर्स आज की स्पीकर्स की प्रोसेस के अंदर बहुत से लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिनकी वजह से आज बहुत सी अच्छी क्वालिटी के स्पीकर आज हम उपयोग कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।